खंडवा जिले के मुंदी नगर में 10 दिन बाद फिर वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया है। 10 दिनों से मुंदी नगर में वैक्सीन नहीं लग रही थी। वैक्सीनेशन सेंटर में चक्कर लगाकर युवा और बुजुर्ग बेरंग रोट रहे थे। कोरोना महामारी में वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, तो वहीं वैक्सीन के लिए बुजुर्ग और महिलाओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। 10 दिनों बाद आज सोमवार को मुंदी में वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 प्लस वालों को कोविड का दूसरा टीका लगा, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों ने काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। वहीं 18 प्लस वाले युवा वैक्सीन सेंटर पर फर्स्ट डोज लगवाने के लिए पहुंचे थे, पर उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। वहीं बीएमओ डॉक्टर रामकृष्ण इंगले ने बताया कि सिर्फ 45 प्लस वालों को ही आज डोज लगाया जा रहा है। 250 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। बुधवार को 18 प्लस और 45 प्लस दोनों को वैक्सीन लगाए जाने की उम्मीद है। वहीं बीएमओ ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर गाँव के लोग काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहे हैं और सभी आगे रहकर वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। मुंदी शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। सर आज कितने डोज लगाए जा रहे हैं कोविड के? आज 250 डोज लगाए जा रहे हैं, उसमें सभी को सेकंड डोज लगाए जा रहे हैं। सर फर्स्ट डोज के लिए लोग परेशान हो रहे थे, तो उसकी क्या प्रक्रिया आगे? फर्स्ट डोज में बहुत जल्द सरदार के निर्देश अनुसार लगाए जाएंगे, और ये मान लीजिए बुधवार दिन पक्का नहीं है बट लगेंगे बुधवार दिन वैक्सीनेशन। अच्छा सर आज कितने डोज यहाँ पर रखे गए थे मुंदी में? आज मुंदी में 250 डोज रखे हुए हैं। अच्छा, और ये मान लीजिए आधे घंटे के अंदर वो भी खत्म हुआ। अच्छा, अभी तक कितने लग चुके हैं? अभी तक 200 लग चुके हैं और लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। ये मान लीजिए कि वैक्सीन और जल्दी आएगी तो लोग वैक्सीन लगाएंगे। अच्छा, आगे मतलब कब लगेगी ये सब कुछ? अभी बुधवार का प्लान बनाया है हमने। अच्छा, और जैसे वैक्सीन आती है बुधवार दिन वैक्सीन। उसमें सर फर्स्ट टाइम में फर्स्ट को लगेगा कि सेकंड को ऐसा कुछ? अभी दोनों लगेंगे बुधवार दिन। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।